नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज। नगीना सीट पर जीत दर्ज करने के बाद चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं अब अपनी राजनीतिक पैठ बनाते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार चुनावी मैदान में उतरने का भी ऐलान कर रहे हैं। जी हां, आपको बता दें, चुनाव है 10 सीटों पर, उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पहले वो केवल 2 सीटों में इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे थे, जिसमें करहल और कहीं ना कहीं बात करें तो बिजनौर की सीट मीरापुर थी। मीरापुर से उनकी पत्नी के चुनावी मैदान में करने की अटकलें लगाई जा रही थी। और वहीं पर अगर देखा जाए तो करहल सीट से अखिलेश यादव को मात देने के लिए चंद्रशेखर आजाद पूरी तरीके से तैयार बैठे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इंडिया गठबंधन के जो रास्ते हैं वो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद से बेहतर माने जाते हैं। वहीं प्रियंका गांधी चंद्रशेखर आजाद को अपना भाई मानते हैं। अब ऐसे में अगर समीकरण देखा जाए तो अखिलेश यादव से राहुल गांधी 4 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। 10 सीटों के जो चुनाव होने वाले हैं उसमें से राहुल गांधी 4 सीटें मांग रहे हैं, वहीं अखिलेश यादव केवल 2 सीटें देना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी को। तो क्या ऐसा होगा कि कांग्रेस पार्टी इस बार चंद्रशेखर आजाद को समर्थन के लिए मना पाएगी या समर्थन मांग सकती है? क्योंकि जो राहुल गांधी हैं और प्रियंका गांधी है कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद के करीबी माने जाते हैं। चंद्रशेखर आजाद को अपना भाई भी बोला था। अब ऐसे में अगर पूरा मामला समझा जाए तो कहीं ना कहीं ये बात निकल कर, ये मुद्दा निकल कर आता है कि चंद्रशेखर आजाद अब हो सकता है कि आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन की ओर रुख करते हुए नजर आए। वहीं अगर उनकी पत्नी जिस तरीके से चुनावी मैदान में उतरने वाली है, प्रियंका गांधी का साथ मिलता है, प्रियंका गांधी उनकी सीट पर चुनाव प्रचार करने जाती हैं, तो जाहिर तौर पर जो ओबीसी वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद के खेल में आता हुआ नजर आएगा। ऐसे में आजाद भी कहीं ना कहीं अगर अपने फायदे के लिए किसी और पार्टी का रुख करने में किसी भी तरीके का परहेज नहीं करेंगे, क्योंकि राजनीति है और ऐसे में उनको आगे बढ़ना है और ये राजनीति कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। देखना दिलचस्प होगा, जिस तरीके की खबरें आ रही हैं कि वंदना कुमारी से प्रियंका गांधी की मुलाकात हो अगर सकती है तो फिर क्या वो मीरापुर सीट पर उनको मनाते हुए नजर आएंगी, या चंद्रशेखर आजाद अपना जो निर्णय है किसी के साथ गठबंधन ना करने का उसको बदलते हुए नजर आएंगे, ये आने वाले दिनों में देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।